हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ हेमंत कुमार। दोस्तों आज असाइलम के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में बात आती है, कंपनी की रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ असाइलम कुर्कुमिन की। दोस्तों कुर्कुमिन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और इसकी जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। कुर्कुमिन जैसा कि नाम से कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि ये शायद हल्दी होगी, यकीनन हल्दी का ही या हल्दी से बना हुआ, हल्दी के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है। हमारा शरीर उसी तरह काम करता है जैसे हमारे देश में राजतंत्र व्यवस्था बनी हुई है, प्रजातंत्र व्यवस्था बनी हुई है। तो दोस्तों ये व्यवस्था कैसी है, जैसे कि मतलब हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखी गई है। हर राज्य में, हर जिले स्तर पर और हर कस्बे स्तर पर और हर ग्राम स्तर पर ये इसलिए किया गया दोस्तों ताकि कोई अपराधी अपराध ना कर सके। अगर कोई अपराधी अपराध करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस नाम की जो एक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, वो उस अपराधी को दंडित करे और ताकि दूसरे अपराधी ना पैदा हो। यानी कि यूं कहा जाए कि देश में अमन चैन और सुख शांति कायम रखने के लिए ये पुलिस रूपी या सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। तो जैसे ग्रामीण स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था है, वैसे ही जिले स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था होती है, वैसे ही राज्यों की सीमाएं होती हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था होती है, और वैसे ही देश की सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। और ये सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है ताकि कोई भी आतंकवादी व्यक्ति हमारे देश में न घुसने पाए, है ना। यानी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में न घुसे जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों ही सेम इसी तरह हमारा शरीर भी कार्य करता है। दोस्तों होता क्या है कि हम रोज जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सामना हवा, दूषित हवा, दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है। यकीनन आजकल जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं तो दूषित हवा, पानी और भोजन के बीच में ही जी रहे हैं। तो दोस्तों इनके माध्यम से क्या होता है कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू होते हैं और वो फ्री रेडिकल्स हर दिन हर समय हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारे शरीर के अंदर आती है तो प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ही एक सुरक्षा व्यवस्था यानी सैनिकों का एक संगठन तैयार कर रखा है जिसे गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वो क्या काम करता है, ये जो बाहर से आक्रमण करते हैं बैड बैक्टीरियाज, तो उनसे लड़ाई करने का काम हमारे शरीर के अंदर का गुड बैक्टीरिया करता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इन गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बाहरी वाले बैड बैक्टीरिया ज्यादा संख्या में आक्रमण कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की क्षमताएं कम हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में भी कहां से आता है, अपने आप तो बनता नहीं है यकीनन। इसके लिए, इस गुड बैक्टीरिया को भी बनाने के लिए हमें बाहर से भोज्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो भी हम हवा, पानी, भोजन के माध्यम से खा पी रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से अच्छी चीजें भी आती हैं और इन्हीं के माध्यम से खराब चीजें भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों उन्हें और अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए असाइलम में कुर्कुमिन यानी प्रकृति ने ही एक ऐसा तत्व तैयार किया जिसको आप हल्दी कहते हैं। याद होगा आपको कि जब आप छोटे थे और जब कभी आपको चोट लग जाया करती थी तो आपकी दादी या नानी आपसे कहती थी कि इसको गर्म दूध में हल्दी खोला करके मिलाकर पिला दो। वो किस लिए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता था कि ये हल्दी एक ऐसा तत्व है, ये सबसे बड़ा गुड बैक्टीरिया है। इस हल्दी के अंदर एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल तमाम ऐसे शक्तिशाली सेना मौजूद है कि जो हमारे शरीर में आती है और ये दुश्मनों से लड़ाई करती है और बैड बैक्टीरिया को मारकर भगा देती है या मार देती है। एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर आपकी बीमारी की तो दवाई देता ही है लेकिन साथ में वो एंटीबायोटिक दवाई भी देता है। वो क्यों करता है, क्योंकि कुछ चीजें जो है आपकी बीमारी को ठीक करने का काम कर रही है लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी उसके साथ लगे हुए हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि एक तरफ ठीक होने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ नुकसान पहुंचाने वाले, तो शायद वो बीमारी कभी ठीक ना हो। लेकिन उसी के साथ एंटीबायोटिक दे दी गई, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया था उनसे लड़ाई करने की क्षमता वाली भी चीज आ गई। यानी बैड जो बैक्टीरिया है उनको वो एंटीबायोटिक मार देता है, भगा देता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी बीमारी को ठीक होने वाले तत्व आपके बॉडी के अंदर गए हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और आपकी बीमारी सही हो जाती है।
तो दोस्तों यकीन मानिए किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप ये कुरकुमिन अगर मिला करके देते हैं तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगी। अब मान के चलो आप किसी व्यक्ति को डायबिटीज के लिए कोई प्रोडक्ट देते हैं और उसके साथ अगर आप कुरकुमिन लगा देते हैं तो यकीनन उसके फायदे बढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को कोई थ्रोट प्रॉब्लम है और उसके साथ आप कुरकुमिन दे देते हैं तो उसका फायदा जल्दी होगा। तो किसी भी बीमारी में, ऑलमोस्ट लगभग बीमारियों में, महिलाओं को कोई समस्या है, महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसको साथ में कुरकुमिन दे देते हैं तो वो बीमारी में जल्दी फायदा होगा। यानी कि आप यो कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर हर दवा के साथ एक एंटीबायोटिक देता है, तो यकीनन आप भी अपने हर बीमारी से रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ कुरकुमिन दे सकते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति भी इस कुरकुमिन को अपने जीवन में सेवन, दैनिक दिनचर्या में सेवन में अगर लेकर के आता है तो यकीनन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। जैसा कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, इस समय भी अगर कोई व्यक्ति कुरकुमिन का सेवन करता है तो यकीनन उस व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों प्रकृति ने ही कुरकुमिन के अंदर सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर दे रखी है। तो यकीनन आपके मन में सवाल होगा कि इसे कौन कौन ले सकता है। यकीनन इसे 6 महीने से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। कैसे ले सकता है आप सोचोगे, कैप्सूल है। तो दोस्तों ये कैप्सूल है, इसका कैप्सूल को ओपन करिए और इसका पाउडर जो है कि आप चम्मच में जरा सा डालकर दूध के साथ मिला करके किसी भी बच्चे को, किसी भी उम्र के बच्चों को आप इसे आसानी से दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद तत्व है और हर उम्र में, हर समय ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में, क्योंकि शुद्ध हल्दी तो बाजार से मिलनी है नहीं अब, तो जीवन में कुरकुमिन जरूर अपनाएं। जीवन को स्वस्थ बनाएं, असाइलम कुरकुमिन अपनाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। बट ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।